छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem Original. Hello, everybody. Welcome to another Sunday edition of the Kahaniyon Ka Mantra. You know what, ladies and gentlemen? India is a land of festivals. ये बात ना बतौले बाज विदेशियों ने ऐसे इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में नहीं बोली थी। दिस इज अ फैक्ट ब्रो। भाई हमारे इंडिया में तो हर छोटी सी खुशी एक त्योहार हो जाती है, जैसे मेरे भाई का मुंडन, भाभी की बहन का हल्दी चंदन, दोस्त की सगाई, फॉरेन जाने की विदाई, सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है विद एक्स्ट्रा लार्ज हैप्पीनेस। और फिर जब बात बड़े बड़े त्योहार की आ जाए तो बॉस That is next level वाला celebration multiplied by extended preparation। और celebration से पहले जो ये preparation आती है ना जी, by God पूरी life के लिए आपको prepare कर देती है। क्योंकि अर्ज किया है, इंडिया में यूं तो हर त्योहार है विशेष, पर हर फेस्टिवल है एन ओकेजन फॉर कलेश। आई मीन वो त्योहार ही क्या जिसमें थोड़ी बहुत झिक झिक ना हो, थोड़ी डांट ना मिले, थोड़ा रूठना मनाना ना हो। आफ्टर ऑल यही तो हमारे फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, यही तो बाद में जाके यादें बन जाती है। और अब तो मौका आ गया द फेस्टिवल्स ऑफ ऑल फेस्टिवल्स का, त्योहारों की कैटेगरी में जिसकी जगह है बिल्कुल टॉप वाली, यानी कि आपकी और हमारी फेवरेट दिवाली। ए मम्मी, कौन है? ए, कितनी बार बोला है कि आई एम फुल जड़ी एन अनार टाइप ऑफ पर्सन, ये सूतली बॉम और लड़ी कहीं और जाके सुलकाओ। भाई ये बच्चे भी ना बाय गॉड नेक्स्ट लेवल के बदमाश हैं। खैर बदमाशी से याद आया, विक्की जो अपने पापा की नजर में बड़ा होकर भी अभी तक सुधरा नहीं था, हमेशा डांट ही सुनता रहता था। उमर देखो घोड़ा हो गया है लेकिन अकल घुटने से भी नीचे सरक रही है, पता नहीं कब जिम्मेदार बनेगा। पापा की इस बात को साबित करने को जिम्मेदारी का एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए विक्की ने पटना से पुणे तक का सफर तय किया। 2 साल से वहीं जॉब कर रहा था और इस साल दिवाली पर वो पापा की डांट के साथ साथ घर की खुशियों से भी दूर रहने वाला था। 1 महीना पहले ही जॉब शिफ्ट की थी और दिवाली की छुट्टी सिर्फ 2 दिन की। अब भाई सारा टाइम तो ट्रैवलिंग में निकल जाता, तो विक्की ने डिसाइड किया कि इस दिवाली वो घर नहीं जाएगा। रियली सैड। मम्मी ने कन्विंस करने की काफी कोशिश की पर विक्की ने नई जॉब की दुहाई देते हुए रिस्क फ्री रहने का वास्ता दिया। फिर मम्मी का उतरा चेहरा देखकर पापा ने एक इंस्टेंट फैसला किया। अच्छा भैया मुंह ना बनाओ तुम, वो गधा नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम चलेंगे उसके पास। दिवाली टाइम इज टाइम ऑफ फैमिली, आउट ऑफ टाउन दिवाली होगी इस बार। ये सेंटेंस पटना से लॉन्च हुआ तो डायरेक्ट पुणे में लैंड किया और विक्की की लाइफ में भूचाल आ गया। भाई अब बैचलर के घर पे जब मॉम डैड के आने की सूचना पहुंचती ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई फॉरेन डेलीगेट की टीम शहर का दौरा करने वाली है। ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन भी ट्रेन का तत्काल टिकट करने के बाद दी गई थी। विक्की के पास सिचुएशन को एनालाइज करने का भी समय नहीं था, वो मोबाइल पे आए सरप्राइज मैसेज को देख रहा था और फिर अपने बिखरे हुए फ्लैट को। उसका फ्लैट समझ लो जैसे साइक्लोन ग्रस्त इलाका था। क्या करें, किधर जाएं, कैसे रोकें, ये पापा भी ना लाइफ में फर्स्ट टाइम इमोशनल हुए और ट्रॉमा हमको दे गए। विक्की की चिंता जायज थी क्योंकि उसका घर किसी आइलैंड जैसा था जहाँ अजीब अजीब चीजें थीं और कहीं से कुछ भी निकल सकता था। उसके पापा ने अगर वो चीजें देख ली तो उनका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि विक्की कोई दिवाली का पटाखा है जिसकी सुतली में आग लग चुकी है और बस वो फटने ही वाला है। टाइम वॉज टिकिंग। अगले 24 घंटे इतनी जल्दी कभी नहीं बीते थे जितने ये वाले निकल गए। विक्की ने somehow घर को रहने लायक बनाया था कि अचानक घर की बेल बजी। विक्की ने दरवाजा खोला और पापा से पहले एंटर हुई पापा की डांट।
अरे हम स्टेशन लेने तो आ जाते, अरे तेरे माँ बाप है, कुछ तो शर्म कर। विक्की ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इनको स्टेशन लेने जाता तो घर की सफाई कौन करता, कॉन्ट्रोवर्शियल आइटम्स को साइड में कौन लगाता, और वो मदिरा की बोतल कौन फेंकता जो किचन की सिंक के नीचे कुंडली मारे बैठी थी, घर की मंथली सफाई कौन करता जिसके लिए मोहल्ले की सभी बाइयों ने कब का मना कर दिया था, नई बेडशीट और पर्दे कौन उधार मांग के लाता ऑफिस के दोस्तों से। एनीवे, फॉर्मल हाय हेलो करने के बाद मम्मी बोल पड़ी, अरे इतने टाइम बाद तुम्हें देख रहे हैं, ठीक से कांच के पीछे देखो कैसे सूखड़े हो गए हो, हमारा लाल हमारा पीला, और ये घर इतना गंदा क्यों है, इस घर में कैसे मनेगी दिवाली। What? गंदा? अरे इसी घर की सफाई करके तो विक्की की कमर में डिस्क फेलियर हो गया था, और इनको ये घर साफ नहीं लग रहा, घोर कलयुग है साहब, एक बैचलर का घर कैन नेवर बी पीएसी, बोले तो पेरेंट्स अप्रूव्ड क्लीन। ये बात आज साफ हो चुकी थी, नहीं नहीं ये बात भी साफ नहीं थी क्योंकि कुछ भी साफ नहीं था। विक्की ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, एज पर हिज स्टैंडर्ड्स उसका घर 5 स्टार से ज्यादा चमक रहा था, पर उसके पेरेंट्स की नजर से देखो तो मानो वो कूड़े के ढेर पर बैठे हैं। विक्की ने बात बदलते हुए कहा भी, मम्मी पापा क्या है ना, वो बाई मेड जो है ना दिवाली की छुट्टी में घर गई हुई, इसलिए थोड़ा सा हम बोले हैं वॉचमैन को दूसरी मेड का जुगाड़ करने के लिए, आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप घर दिवाली रेडी हो जाएगा। पर पापा के चेहरे पर इत्मीनान नहीं था, आउट ऑफ टाउन दिवाली आउट ऑफ इंटरेस्ट बन रही थी। मम्मी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैटर संभालने का ट्राई मारा और थोड़ा हाथ बटाने की बात कही तो पापा ने कहा, यही करने आए थे हम यहाँ, सोचा था कि बेटे के घर पे सुकून से दिवाली मनाएंगे, यहाँ भी काम करना पड़ रहा है। विक्की वॉज सैड, ही वॉन्टेड टू बी अ गुड सन, और अपने हिसाब से उसने एफर्ट्स भी किए थे, लेकिन घर में अजीब सा सन्नाटा था, और कहते हैं कि हर सन्नाटा आने वाले तूफान का सिग्नल होता है। विक्की के फ्लैट की घंटी फिर से बजी, पापा को लगा कि मेड आ गई, और इससे पहले कि विक्की दरवाजा खोलता वो खुद पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही एक सुंदर सी लड़की अंदर आई और उसने पापा को छप्पी पाई और कहने लगी, ओ विक्की बेबी, हमेशा इतना टाइम क्यों लगाते हो दरवाजा खोलने में, मैं कब से। पापा से नजर मिलते ही उस लड़की की आवाज वही बंद हो गई और पापा बोले, कौन तुम। विक्की ने खुद को अनम्यूट किया और हकलाते हुए बोला, ये पूजा 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 श्री प्रकाश पासवान, वो सुमित्रा पासवान, हमें तो तुम जानती हो, विक्रम पासवान और विक्की, ये है मिस्टर एंड मिसेस पासवान फ्रॉम पटना। जिस पे पापा बोले, ये शायद बता ना पाए लेकिन हम बता देते हैं, हम मिस्टर एंड मिसेस पासवान, इनके मम्मी पापा हैं। पापा का पारा चरम पे था, दिवाली एक दिन बाद थी, लेकिन धमाके उस शांत से फ्लैट के सन्नाटे में महसूस किए जा सकते थे। विक्की के शब्द गले के बॉर्डर पार करके निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड पूजा थी। अरे वो तो उसे बताना ही भूल गया था कि कुछ दिन घर ना आए क्योंकि पापा मम्मी आ रहे हैं। अब तो वो आ भी चुकी थी और विक्की समझ के उसके डैड को गले भी लगा चुकी थी। डैमेज कंट्रोल से बाहर की बात हो चुकी थी। मम्मी घूरते हुए बोली, अरे कौन है ये विक्की। विक्की शर्माते हुए बोला, पूजा ताई ताई पूजा ताई, अरे अरे तुमको वॉचमैन ने भेजा है ना, चलो चलो शुरू करो साफ सफाई, चलो। विक्की ने सहमते हुए कहा। पूजा ने विक्की को घूरा, विक्की ने आंखों आंखों में सॉरी बोला, कोऑपरेट करने की मिन्नत की, ब्रो कोड की तरह कपल कोड का पालन करते हुए पूजा किचन की तरफ चल दी। थैंक गॉड पूजा ने कपड़े नॉर्मल टाइप के पहने हुए थे, लुक से मेड तो नहीं लग रही थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने विक्की के झूठ को वैलिडेट किया था, भोली मम्मी तो कन्विंस भी हो गई। लेकिन पापा, उनके शक की सुई नहीं पूरी की पूरी तलवार विक्की की तरफ थी। विक्की ने ये तो समझा दिया कि वो काम वाली है, लेकिन काम वाली गले क्यों पड़ रही थी है? घर का माहौल काफी सीरियस हो चुका था, गृह युद्ध जैसे हालात थे, और विक्की नो मैन्स लैंड यानी टॉयलेट में बैठा सोच रहा था कि खुद को फ्लश कर लूं या बालकनी से कूद जाऊं। ऑल्दो दोनों ही आइडिया बेकार थे, बट उसकी जिंदगी में सब बेकार ही तो चल रहा था।
उधर पूजा। जब से पूजा ताई बनी थी तब से विक्की की मम्मी ने उसकी मम्मी सिस्टर एक कर दी थी। कोने से कूड़ा निकलवाना, बर्तन ऐसे धुलवाना जैसे उसी में देखकर बाल सवारने हो। पूजा मेड बनके बहु एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रही थी, पर विक्की का तो असली टेस्ट बाकी था, क्योंकि दिवाली अगले दिन थी और एक एक पल उस पे भारी हो रहा था। जाते जाते पूजा को अगले दिन टाइम पर आने का आदेश भी मम्मी ने दे दिया और ये भी कह दिया कि इस तरह से मालिक लोगों के गले नहीं लगते। उस रात जब मॉम डैड सो गए तो विक्की ने पूजा को वीडियो कॉल किया। शी वॉज लाइक ऑन फायर, लाइक ऑन फुल जड़ी। उसको इतना काम करने की आदत नहीं थी। विक्की ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसकी एक भूल से बेचारी पूजा फंस गई थी। खैर, जब गुस्से पे प्यार भारी पड़ा तब पूजा ने भी उसको समझाया कि कोई बात नहीं, मॉम डैड अच्छे हैं। अब सुनो, एक प्लान बताती हूँ। एक जिम्मेदार गर्लफ्रेंड और भावी पत्नी होने के नाते पूजा ने पापा मम्मी को खुश करने का सॉलिड प्लान बनाया। कुछ ऐसा करने का प्लान कि उनकी ये दिवाली बेस्ट दिवाली बन जाए। विक्की भी मान गया। अगले दिन सुबह सुबह ही विक्की ने मॉम डैड के लिए एक कैब बुक की और उनको अपने एरिया से दूर बालेवाड़ी में रहने वाली उसकी दूर की मौसी की बेटी के घर भेज दिया। देखो, पापा लोग वैसे भी मौसी से ज्यादा बुआ के बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं। वो जाना नहीं चाहते थे, बट विक्की ने मम्मी का वास्ता देते हुए उन्हें कन्विंस किया। पापा ने फिर भी सवाल दाग दिए, अभी लेकिन हम चले गए तो घर को दिवाली के लिए रेडी कौन करेगा? विक्की ने शाहरुख वाला पोज देते हुए कहा, मैं हूँ ना। इधर पापा मम्मी ने कैब में ओटीपी डाला और दूसरी तरफ विदाउट ऑथेंटिकेशन पूजा घर में घुसी। उसके फौरन बाद ऐप द्वारा बुक किए हुए क्लीनिंग और पेंटिंग सर्विस वालों को बुलाया गया और उन्होंने दिखाया अपना मैजिक। कुछ ही घंटों में विक्की को अपना ही फ्लैट अपना नहीं लग रहा था, क्योंकि विदाउट एनी मैस एंड हैसल पूरा घर चमक गया था। जब विक्की ये सब जेसीबी की खुदाई की तरह आंखें फाड़ के देख रहा था तब पूजा साइड में बैठी मोबाइल पे आगे का प्लान एग्जीक्यूट कर रही थी। थोड़ी ही देर में ऑनलाइन वेबसाइट की प्राइम मेंबरशिप से एक्सप्रेस डिलीवरी वाले ऑर्डर घर पे डिलीवर होने लगे। ये सब सामान एक्सक्लूसिव दिवाली के प्रोडक्ट्स थे। बस फिर क्या था, शाम तक विक्की और पूजा ने घर का पूरा लुक ही चेंज कर दिया था। डेकोरेशन, लाइट्स, दिए, रंगोली, सब कुछ डन था। पापा मम्मी के आते आते घर दिवाली रेडी हो चुका था। जब उन्होंने घर को देखा तो चकाचौंध हो गए। घर वाकई एकदम बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली की सारी रोशनी इसी घर में उतर आई हो। पर पापा तो पापा थे, बोले, ये सारा सामान किसने मंगाया भाई? अब विक्की क्या बताता कि सब पूजा का किया धरा है। पूजा इस वक्त दरवाजे की तरफ चुप कर खड़ी थी। संभलने की कोशिश में बोला, वो पापा, मैंने सोचा कि घर को थोड़ा दिवाली लायक बना दूं, इसलिए। विक्की को पापा के चेहरे पे फिर वही एक्सप्रेशन दिखे जैसे हाई स्कूल में मार्कशीट पे नकली सिग्नेचर वाली बात पे पकड़े जाने पे दिखते थे। पापा बोले, ये गधे, अब तो सच बोल दे, अच्छे से जानता हूँ तुझे, ये तेरे वश की बात नहीं, और खर्चा करने से पहले सोचते हो कि नहीं। इतने में पीछे से आवाज आई, पापा, सब कुछ ऑनलाइन सेल में आया है तो डिस्काउंट। दरवाजे के पीछे से पूजा की आवाज सुनकर पापा मम्मी पलटे। सामने साड़ी में स्वीट सी पूजा शर्माते हुए खड़ी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और पापा मम्मी बेहद कंफ्यूज। विक्की की नजरों में पूजा के लिए एक ही सवाल था, थोड़ी देर और चुप रह लेती तो तेरा क्या जाता। घर में शांति छा गई। विक्की और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी विक्की की मम्मी ने कहा, हम तो कल ही समझ गए थे ये कोई मेड नहीं है, काम करने के स्टाइल से समझ में आता है। इस पर पापा ने कहा, बेटी ये तो डरपोक है, कभी नहीं कह पाएगा, बट वेरी नाइस टास्क, डेकोरेटिंग इज लुक गुड, एक ही जने अच्छे से घर सजाया भी। विक्की को पापा की मिक्स्ड इंग्लिश से ज्यादा आज उनकी पॉजिटिविटी पसंद आ रही थी। उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डाल के जैसे कोई इशारा किया, एक इशारा जिसका मतलब था कि लड़की अच्छी है, समझदार चॉइस। भाई विक्की वाज ओवर द मून। आखिर घर दिवाली रेडी हो ही गया। जब पूजा हुई तो विक्की की माँ और पूजा दोनों ने आरती की। विक्की काफी इमोशनल हो गया और पापा ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा जैसे वो उनके दोस्त हों।
घर में दिए जल रहे थे और सबके लिए आउट ऑफ टाउन दिवाली बेस्ट दिवाली बन चुकी थी। अब आप भी दिवाली की खुशियों में ऐसे ही डूब जाइए। हैव अ हैप्पी दिवाली भाई। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। M&M ओरिजिनल। दिस शो इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। एनी नेम्स, कैरेक्टर्स, प्लेसेस एंड इंसिडेंट्स आर आइदर प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रिएटर्स इमेजिनेशन और यूज फिक्टिशियसली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listener's discretion is advised.